बाबा जगन्नाथ भगवान का प्रसाद भाई, मतलब आज बाबा जगन्नाथ हम जाने वाला हूँ और मॉर्निंग मॉर्निंग में ही उनका प्रसाद मिल गया है। स्टार्ट। मीठा है भाई और पानी पीने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो भाई देख सकते हो यहाँ का माहौल पूरा एक कोई झांकी निकला हुआ है, पूरा भीड़ है यहाँ, काफ़ी लंबा भीड़ है और यहाँ पर पूरा गाड़ी उड़ी से पूरा बजना वगैरह बज रहा है। हम पूछेगा ये दो एक साल 25 दिन हो गए हैं। हाँ, और कितना दिन लगेगा घूम के जा रहे हैं? अभी 5-6 महीना और लगेगा। और 5-6 महीना लगेगा। हाँ तब घर पहुंचूंगा। इधर से जितना खर्च बर्च लगेगा कोई देगा, कौन देगा? हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आरजे महतो के एक नए वीडियो में। इस वक्त हूं मैं उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट के चिल्का बोल के एक जगह में। आज हो गया 394 डेज साइकिल से पूरे भारत की यात्रा करते हुए और ये है सर जिन्होंने भोजन वगैरह का सारा चीज का अरेंजमेंट किया, तो थैंक यू सो मच सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अभी मॉर्निंग के लगभग 6:30 बजने वाले हैं तो यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। 104 किलोमीटर रह चुका है यहाँ से पूरी जगन्नाथ धाम। अभी हो रहा है 6:35 और मैं अपने झुंझुनू को लेकर रोड पे आ गया है, यानी कि मैंने राइड स्टार्ट कर दिया है। आज मुझे जाना है 104 किलोमीटर जो मॉर्निंग का टाइम है। और भाई आज मौसम क्लियर होने की वजह से सूर्य पूरा चमक रहा है। रास्ते में मिले मुझे ये सर। हेलो सर, कैसे हैं सर? बढ़िया है ना? बढ़िया। और ये सर मुझे आज ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे। एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा था इस वक्त रुकना क्योंकि आज 104 किलोमीटर चलना है, तो मैं तेज़ी तेज़ी से चल रहा था, लेकिन सर ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तो मैं रुक गया। फिलहाल मैं चाय पी रहा हूँ। का ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा हुआ, इस सर ने ब्रेकफास्ट करवाया। बाबा जगन्नाथ भगवान का प्रसाद भाई, मतलब आज बाबा जगन्नाथ हम जाने वाला हूँ और मॉर्निंग मॉर्निंग में ही उनका प्रसाद मिल गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सोलर का काम करते हैं। और एक भाई मिल गए हैं, राइडर भाई साहब मिले। वेयर आर यू फ्रॉम? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो नाइस मीटिंग यू। एंड ये लोग जो है अपने बाइक से राइड कर रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं अपना कोलकाता। इंग्लिश इन लोगों को इंग्लिश समझ में आता है, हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। और ये विशाखापट्टनम से अभी बच गया 8:55, मैं कंटिन्यू राइड कर रहा हूँ। और अभी लग चुकी है मुझे भूख और मुझे दिखा भाई आज वाटर मिलियन और मुझे आज फ्रूट खाने का मन कर रहा है। कितने का है ये? 20 रुपया किलो। तो दोस्तों मैं 1 केजी खा सकता हूँ क्या? मैं देखता हूँ, लेकिन हाँ देखता हूँ, फर्स्ट में तो 1 केजी लेता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा ट्राई करूँगा। तो 1 केजी मिल जाएगा मुझे, काट के दे देते तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे आज यही खाने का मन है और मुझे काफ़ी दूरी तक चलना है इस वजह से। एक ले लो ना सर, मैं एक कहाँ लेके चलूँगा, खा भी नहीं पाऊँगा, ये दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मुझे अभी लंबा दूरी तय करना है। आधा कितना आ जाएगा फिर? 1.5 केजी के अंदर आएगा। हाँ तो कर दीजिए आधा। तो भाई भाई साहब कह रहे हैं कि आधा कर लीजिए, आधा खा पाऊंगा। तो दोस्तों ये वाटर मिलन 2 केजी का हो गया, ये देख सकते हो आधा पूरा कट चुका है, इसको काटने के बाद मैं अच्छे से खाऊंगा। स्टार्ट। मीठा है भाई और पानी पीने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। गर्मी इस साइड में काफ़ी ज़्यादा है। सो चलते हैं आगे, रखते हैं कहीं पे, को छोड़ दिया है और मुझे राइड कटना पड़ा। और देख सकते हो भाई इतना भीड़ है ना इस मार्केट में, पतला सा रोड है और ये साइड होते हुए जाएगा। अभी भी रह चुका है 55 किलोमीटर इधर से, लेकिन हाँ मौसम बहुत अच्छा कर रखा है जिसकी वजह से दिक्कत नहीं है। पूरा इस टाइम पे बादल छाया हुआ है तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा। और ये मेरा दूसरा ब्रेक है मॉर्निंग के बाद, अभी बज चुका है 12:30 और मैं लगातार 2 घंटों का राइड करते हुए हाईवे को छोड़ते हुए मैं एक गांव होते हुए आ रहा था भाई। मुझे लग चुकी थी काफ़ी ज़्यादा भूख, तो सामने में मुझे ये मसाला दरबार ढाबा दिखा, काफ़ी पूछते पूछते ये ढाबा मिला है। ढाबा देख के लगा था कि बहुत महंगा हुआ खाना, बट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही पड़ा। 80 रुपये का था, थाली था और पेट भर खाया, अच्छा खाना था। तो यहाँ से पूरी जगन्नाथ धाम रह गया और 26 किलोमीटर। फिलहाल मैं एक होटल को लगाने वाला हूँ जो कि पूरी में ही है, और कितना दूरी पर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए कॉल लगाते हैं और देखते हैं कि वो सर क्या बोलते हैं। तो नंबर मैंने निकाल लिया है गूगल से, कॉल भी लगा लिया मैंने। उपयोग में नहीं है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। ऐसे रोड में जा रहा हूँ जो दोनों साइड खाली है, लेकिन इतना बेहतरीन है ना, अगर ऐसा रोड रहे ना
कितना बेहतरीन रोड है, रोड के दोनों साइड पूरा पेड़ लगे हुए हैं और भाई पूरा छांव है, पूरा मतलब एक भी ज़रा धूप नहीं दिखेगा, एकदम पूरा ऊपर से देखते दोनों तरफ से ऊपर से घेर के रखा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई साइकिल चलाने में, इतना बेहतरीन देखने में लग रहा है क्या ही बताऊँ। सो दोस्तों लगभग 5 बजने वाला है और मैं पूरी से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर हूँ और यहाँ पर देख सकते हो सामने ऊपर में बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है पूरी स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अंडर स्वच्छ भारत मिशन के तहत पर ये पूरी क्या इतना स्वच्छ है क्या। चलिए देखते हैं यहाँ की स्वच्छता कैसी है और भाई देखने में तो बड़ा मस्त लग रहा है, खाली खाली है पर चलते हैं देखते हैं रोड गड़बड़ ना हो जाए, बहुत सारे रोड गया है तो पहले मैं मैप निकाल के अपना देखता हूँ किस साइड में जाना है। वेलकम टू पूरी धाम और हम पूरी धाम इंटर कर चुके हैं भाई साहब, शाम भी हो गई, पूरी धाम भी इंटर कर चुका हूँ। मैं एक धर्मशाला में जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ पर बात करूँगा उसके बाद क्या होता है, फिलहाल इस भीड़ को क्रॉस करते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई पूरी का माहौल देख सकते हो भाई, क्या ही माहौल है, आगे सामने में मुझे मंदिर दिख रहा है थोड़ा सा दूर है, क्या ही माहौल है भाई। ये देख सकते हो काफ़ी चौड़ा सा रास्ता है और भाई काफ़ी स्पेस खुला खुला है और इधर किसी चीज़ का झांकी भी निकला हुआ है। तो भाई देख सकते हो यहाँ का माहौल पूरा एक झांकी निकला हुआ है, पूरा भीड़ है यहाँ, काफ़ी लंबा भीड़ है और यहाँ पर पूरा गाड़ी उड़ी से पूरा बजना वगैरह बज रहा है और काफ़ी लंबा है ये भाई, पूरा खाली खाली जगह है। यहीं पर सामने में धर्मशाला, इसी धर्मशाला में मैं जाने वाला अभी बात करने वाला हूँ। तो धर्मशाला में बात नहीं बना यार, इतना मतलब क्या ही बताऊँ, वहाँ का जो स्टाफ है इतना रूडली व्यवहार करता है, सच में धर्मशाला का ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा रूडली व्यवहार करता है। ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्राउड है और यहाँ पर एक मुझे किसी ने बताया कि ये पत्थर वाला बिल्डिंग जो है ये भी धर्मशाला है और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, बट उस साइड में कैसे जाऊँ, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, देख सकते कितना ज़्यादा भीड़ है भाई मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और मंदिर ये सामने है देख सकते हो, एकदम सामने मंदिर दिख रहा है, यही है मंदिर, बट इस धर्मशाला में जाता हूँ देखता हूँ क्या होता है, फिलहाल जाके बात करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ जगन्नाथपुरी, ये सामने है मंदिर और मैं दो जगह गया, दो धर्मशाला में नहीं हो पाया तो अभी तीसरा जगह पर जा रहा हूँ। इधर देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, दोनों साइड देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये सामने मंदिर, बाहर से काफ़ी बाहर में काफ़ी बड़ा एरिया है, बाहर से सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, देख सकते हो उधर सबको प्रणाम कर रहे हैं और मंदिर का गेट सामने में ही है। सो आज तो दर्शन नहीं कर पाऊँगा, मैं कल दर्शन करूँगा, फिलहाल मैं चलता हूँ, यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में देखते हैं बात बनता है कि नहीं। यहाँ के गुरुद्वारा में भी मुझे लग रहा है कि वहाँ भी मना कर सकता है, थोड़ा सा दूर में है, फिलहाल चलते हैं रन पर ट्राई करते हैं क्योंकि 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है, तो चल के जाके ट्राई करेंगे, वहाँ अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा। तब से ये सर जो है हमसे बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे थे आप? हम पूछेगा ये दो एक साल 25 दिन हो गए, हाँ कितना दिन लगेगा घूमते जा रहे हैं? अभी 5-6 महीना और लगेगा, और 5-6 महीना लगेगा, हाँ तब घर पहुंचूंगा। इधर से जितना खर्च बर्ज लगेगा कोई देगा, कौन देगा? लोग मदद करते हैं, आपके जैसे लोग बहुत सारे रास्ते में मिलते हैं, वो मदद करते हैं, खाना पीना वो देते हैं, रुकने का जगह कोई मंदिर देख लेता हूँ, धर्मशाला वगैरह देख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर दो धर्मशाला गया, दोनों में नहीं हुआ, अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे जगह, वहाँ पर देखूँगा नहीं होगा तो फिर इन लोग को रिक्वेस्ट करूँगा रुकूँगा, इसीलिए जहाँ धर्म स्थान रहता है वहाँ रुकने का जगह नहीं मिलता, बाकी दूसरे जगह मिल जाता है, ये बात है। तो भाई यहाँ पर मैंने देखा कि सभी लोग जो है बहुत गौर से मुझे देख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी हैं, ये लोग भी मुझे देख रहे हैं पूरा गौर से, आ रहा के पूछ रहे हैं, तो यहाँ का कुछ अलग ही चीज़ मैंने देखा और भाई मुझे तो अभी जाना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ कल पूरे अच्छे से यहाँ पर रुक के दर्शन करने वाला हूँ, गुरुद्वारा जा रहा हूँ वहाँ पर देखता हूँ, अगर मिल जाए जगह तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। सो इधर से मैं जा रहा हूँ, इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और इस टाइम पर अभी शायद झंडा वंडा बांध रहा है ऊपर में, इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी मुश्किलों के बाद मुझे ये गुरुद्वारा में थोड़ा सा जगह मिल गया है, यहाँ पर मैं आया था इस गुरुद्वारा में और बातचीत किया, बातचीत करने के बाद बहुत मुश्किल से एक माताजी बैठी हुई थी, पहले बोला कि नहीं नहीं है कोई रूम खाली नहीं है, लेकिन मैं गुरुद्वारा में भी दर्शन करता हूँ, ऐसा नहीं है, तो सामने गुरुद्वारा है और बोला है कि हॉल मिल जाएगा तो हॉल में ही रुकने वाला हूँ, देखता हूँ, लेकिन कल मॉर्निंग को निकलना होगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि जहाँ भी रुकूँ वहाँ पर साइकिल वगैरह रख के दर्शन करके आऊँ फिर साइकिल लेके जाऊँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहीं पर सामने में एक पार्क है तो पार्क के अंदर आप लोगों को लेके चलता हूँ, भाई हिम्मत सिंह मेमोरियल चिल्ड्रेन पार्क, ये बच्चों के लिए पार्क है, लेकिन मैं जा सकता हूँ कि नहीं देखता हूँ। हेलो, हाँ बहुत अच्छा,
भाई देख सकते हो कितना हरा भरा, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, पूरा हरा भरा है भाई, पूरा हरा भरा है, मतलब बहुत अच्छा सजा के रखा हुआ है। काफ़ी सारे लोग आए हैं। एक्चुअली यहाँ क्या बात है ना, यहाँ पर जो है पूरी जगन्नाथ का दर्शन करने आते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पर रूम रेंट लेके, मतलब यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं ना, ये सारे देख रहे हैं, सारे होटल ही होटल हैं दोनों साइड, इसके बगल में भी होटल है, सिर्फ होटल ही होटल है, तो इसलिए यहाँ पर रुकने के लिए मना करते हैं। खैर चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, एंड कल सुबह आप लोगों को पूरा पूरी दर्शन करवाऊँ, कल मैं जाऊँगा पूरी दर्शन करने के लिए, बट कोशिश करूँगा पूरा दिखाने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थोड़ा सा प्यार देते रहिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।